सही है ना यार, ये मैं कितनी तारीफ करूँ। एक तो दिखने में इतनी प्यारी, प्लस इसकी आंखें, हाँ, क्या आंखें हैं भाई। मतलब देख ले कोई तो दिल दिमाग सब घूम जाए भाई उसका, ऐसा दिमाग, मतलब ऐसी आंखें इसकी। प्लस मतलब जब चलती है तो लगती है कि हाँ, मतलब मेरी जान नजर ना लगे किसी की। और देखो अभी देखो, बचा लिया ना अपन को, अभी गिर जाते हैं अपन। पानी घुस गया थोड़ा, क्या गीली रोड हो रही है यार पूरी रोड पे, ऐसा लग रहा है पानी। अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, जब अपन सो रहे थे तो बारिश हुई है पक्का। मैं दिन में सो गया था 2-1 घंटे के लिए, तब बारिश हुई है तेज। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अपन जा रहे हैं न्यू मार्केट और आज देखते हैं माहौल क्या हो रहा है। अभी वन साइड कर दिया उन्होंने, बिकॉज क्या अभी ये चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड पे, तो पूरा वन वे कर दिया, तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। अपना गाड़ी का साउंड लीटर क्लास से कम नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत लोग बोल चुके हैं कि भाई आपकी गाड़ी का साउंड क्या हो रहा है, लीटर क्लास अलग ही लगता है कि 1000 cc बाइक आ रही है। तो अपन को तो साउंड से प्यार है बाजूका के। साइड आए अंकल बिना इंडिकेटर दिए, क्या बोलोगे दद्दू लोगों से यार। अब फिर ऐसे एकदम से आ गए वो भाई, दिखे भी नहीं कहां से रॉन्ग साइड से एकदम इधर आ गए। अरे बाप रे, देख के चलाओ भाई, खुद ही देख के चलाओ। वो भाई CBR पे ट्रिपलिंग कर रहे थे, मतलब ऐसा जोश चाहिए इस चीज़ के लिए R15 और CBR पे ट्रिपलिंग करने का। हाँ अपन ने भी की है एक बार, लेकिन एक ही बार की है क्योंकि अपन को बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो मैं ट्रिपलिंग करता ही नहीं था। तो वो तो एक दोस्त फंस गया था, तो मैंने उसके लिए कर ली थी कि चल ठीक है यार छोड़, कभी कभी रूल तोड़ने भी पड़ते हैं। तो उसको हबीबगंज से MP नगर से हबीबगंज ड्रॉप करना था बस, मतलब हार्डली 1 किलोमीटर, तो मैंने बोला चल बैठ गया यार। तो बस वो चीज़ हुई थी, नहीं तो अपन ने प्यार से रखा था R15 को भाई, कोई दिक्कत नहीं थी R15 में। हाँ साउंड बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है मुझे, मतलब पहले के कंपैरिजन में, पता नहीं क्यों। अरे बाप रे, ये देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं यार, यहाँ अभी तक नहीं बना। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा फुद्दू सा सामान डाल के चले जाते हैं, माल मसाला, और ये देखो ये ऐसा हो जाता है फिर वापस से। ओह पानी छोड़ दिया, वो देखो कितना सारा पानी निकल रहा है। वापस से गेट खोल दिए लग रहा है, अब तो नॉर्मल ही हो गया, जाने देते ही नहीं है गेट खोले देखने। हाँ तो फिर अपन जाना ही नहीं, अब अपन ने 3 बार हो गया यार अपना फुद्दू काट दिया इन्होंने। भाई बारिश तो हुई है ये तय है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरी सड़कें गीली पड़ी है, मतलब बारिश तो हुई है। अपन जो 2 घंटे सोए थे ना, तो वो 2 घंटे में बहुत कुछ हो गया खतरनाक, इसीलिए अजीब सा लग रहा था। मुझे लग ही रहा था कि मौसम अजीब हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है अब बारिश हो चुकी है तो फिर ठीक है। ऐसे में क्या है, बारिश होने वाली रहती है ना, तो बहुत गलत उलझन हो जाती है।
जरा सा भी किसी काऊ को अगर लग जाता है, और अभी सिर्फ बारिश के सीजन में ही रहता है ये मेन डिस्टर्बेंस, मतलब शायद उनको ये कहते हैं ना, ये वाला वो टाइम होता है जब बच्चे होते हैं नए नए काऊ के, तो शायद हमिंग साउंड जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को खतरा दे रहा है या फिर उनका बच्चा पुकार रहा है, तो इसलिए वो एकदम से अलर्ट हो जाती हैं। मतलब मैंने जितना पता किया इस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो मेरे को यही रीज़न मिला, तो वो एकदम अलर्ट होके फिर दौड़ने लगती है कि कहाँ है उनका बच्चा, ऐसा तो ये सीन रहता है। है ठीक है। हाँ, मर्सिडीज CLA 220D, क्या सेक्सी लग रही है यार मर्सिडीज बेंज। क्या लग रही थी यार ब्लू कलर में, तो वाह वाह वाह, नज़र ना लगी किसी की। हाँ भाई, किसी की गाड़ी को नज़र ना लगे, सबकी गाड़ी अच्छे से रहे, गाड़ियों का प्यार अलग ही है ब्रो, भाई यू कैन नॉट कंपेयर दैट लव, कंपेयर समझ लो मतलब वो जो दूसरे प्यार होते हैं लड़कियों लड़कियों से, उसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप, ब्रेकअप हो जाते हैं भाई इस चीज़ के पीछे, समझ लो। अरे यहाँ पे भी वन साइड करके रखा है, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चलो कहे चलने तो अच्छा है, रोडें ख़राब हो गई ना यार पूरी, सही है, लेकिन यहाँ तो जैम लग गया, आगे कैसे निकलेंगे, पीछे से ले लेते हैं मेरे हिसाब से। यार अब तो फंस गए अपन चारों ओर से, आई होप ज़्यादा देर का ना हो ये जैम, वैसे भोपाल में कम ही देर का लगता है, बड़ी कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है तो कई बार आधे आधे घंटे भी खड़े हो जाते हैं हम लोग। नहीं नहीं आगे से टर्न दे के रखा है उन्होंने, फाइनली टर्न आ गया, अब सब मुड़ेंगे, अपन भी मुड़ जाते हैं। चलो बैक ऑन ट्रैक, होली शिट बच गए, आगे से भी वन वे करके रखा है, अच्छा वो स्पीड नहीं पकड़ी अपन ने तेज, खैर बजूका इतनी इंटेलिजेंट है कि आराम से ब्रेकिंग कर लेती है, बट फिर भी भाई क्यों रिस्क लेना, यहाँ से पूरा वन वे कर दिया यार इन्होंने, रोड चौड़ी कर रहे हैं। ओके नाइस नाइस नाइस, अच्छा है यार, बड़ी रोड हो जाएगी तो और ईजी रहेगा अपन लोगों को जाने में, वैसे तो ट्रैफिक क्या ही कम होना, ट्रैफिक तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, साइड से भी चौड़ी हो जाएगी उस साइड से भी चौड़ी हो जाएगी, बढ़िया घूमेंगे अपन, अच्छा है भाई सारी रोडें बन जाए, जो सरकार रोड बनाए उसे वोट दो भाई, अपन बाइकर का तो एक ही नियम है, सिर्फ जो सरकार रोड बना दे लाइट ला दे उसको वोट दे दो, नहीं लाइट से भी काम रहता है ना भाई, लाइट के बिना भी नहीं रह सकते और बाइक के बिना भी नहीं रह सकते, बाकी चीज़ें हैं फिर अपनी जगह। बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं भाई आज तो, ओके ये रहा डाइवर्जन, अब ठीक हो गया, चलो बैक ऑन ट्रैक वंस अगेन, ऐसा बोलना चाहिए वंस अगेन बैक ऑन ट्रैक, ये कौन आ रहा है, अरे बड़े क्या गलत लोग हैं भाई, ये देखो इतनी भीड़ होने, आहा ऑडी सेक्सी, ऑडी फंसी हुई है भीड़ में, वो भी लाल वाली, तो कहाँ थे अपन थे, ये देखो ये तो उल्टा ही पलटा लिया भाई उस आदमी ने, अलग जाम लगाया है, ये ऐसे लोगों के कारण ज़्यादा होता है, अब वो कहाँ से आपको लग रहा है निकल पाएगा उल्टा घुमा के गाड़ी, मतलब और फिर ये यहाँ से निकल रहे थे जो लोग, वो अलग लेवल के, मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में।
के चलाते रहो बस। बच गए अपन, ये बारिश के पानी के कारण हुआ है। हल्की सी स्किट खाई लेकिन ये है कि ग्रिप पकड़ ली टायर्स ने, नहीं तो गिरते अपन, बहुत बुरा गिरते। बच गया, थैंक यू बाजूका, थैंक यू। अब नहीं करूँगा मैं ऐसी हरकत, मैं मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ ऐसे कोशिश कर रहा था, मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा मुझे तुमने बचा लिया। मैं बता रहा हूँ भाई, ये धोखा नहीं देती, इतनी सही है ना यार ये, मैं कितनी तारीफ करूँ, एक तो दिखने में इतनी प्यारी, प्लस इसकी आँखें, क्या आँखें हैं भाई, मतलब देख ले कोई तो दिल दिमाग सब घूम जाए भाई उसका, ऐसा दिमाग, मतलब ऐसी आँखें इसकी, प्लस मतलब जब चलती है तो लगती है कि मतलब मेरी जान नज़र ना लगे किसी की। और देखो अभी देखो बचा लिया ना अपन को, अभी गिर जाते हैं अपन। थैंक यू सो मच बेबी, आई डोंट नो हाउ आई विल थैंक यू। फुल टैंक कराता हूँ तुम्हें जल्दी, तुम टेंशन मत लो, पैसा आ जाए बस, लॉकडाउन के कारण पैसा कम आ रहा है। खैर फुल टैंक तो तुम हमेशा रहती हो, मैं यूजुअली कर लेता हूँ बाइक से बात, अभी भी आधी टैंक है वो। बच गए लेकिन अपन भाई, बहुत बुरा गिरते भाई, ऐसे हो गई पूरी गाड़ी। बच गए, ऐसी हरकतें नहीं करना, ये जानलेवा है। मैं ये बताना चाह रहा था व्लॉग में तुम लोगों को कि ऐसे मतलब मस्ती वस्ती खोरी करके, ऐसे बारिश जब हो ना तब तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना ऐसी हरकत। बच गए हो तो अपन, अभी नहीं तो पड़े होते भाई क्या, बिल्कुल बेकार हो जाता सीन। अच्छा बस, थैंक यू बेबी, थैंक यू, अब नहीं करूँगा मैं, टेंशन मत लो। वो सोच रही होगी टेंशन तू ले बेटा, तू गिरेगा नहीं, लेकिन आई विल टेक केयर। चलो पहुंच गए अपन न्यू मार्केट, बाजार वेले के ऑफिस जा रहे हैं, और बाजार वेले का ऑफिस कहाँ है वो बता देता हूँ आप लोगों को। वो देखो ऑडी का कलर, ऑडी A6, कलर क्या प्यारा हो रहा है यार। तो ये रहा बाजार वेले का ऑफिस, यहाँ पे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा बट मैंने फिर से दिखा दिया, सही रहता है ना। और यार बाइक निकालने में प्रॉब्लम आएगी तो अपन पहले घुमा दें, नहीं तो क्या होगा कोई और ने पार्क कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। घुमा ले, हाँ घुमा ही लेता, वही जस्ट अ मोमेंट। ये बाइकर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और मेरे साथ तो स्पेशली, अपन हल्के फुल्के इंसान भाई, संभालना भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसको घुमा के लगा देते हैं ताकि आते टाइम कोई दिक्कत ना आए, सीधे अपन निकल जाएंगे यहाँ से। ओके हियर वी गो, बस चलो चलते हैं अपन।